हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने भी यहां पर अपने डोज कॉइन को टेलीग्राम वॉलेट में यहां पर जो है क्लेम करा हुआ है और वह आपके पास आ भी गए हैं, लेकिन यहां पर आपने टेलीग्राम वॉलेट में जो आपकी KYC रहती है वहां पर आपने जो है गलत कर दिया और वहां पर वह जो KYC है वह रिजेक्ट हो चुकी है। अब कैसे आप अपने जो डोग से उसको विड्रॉल करेंगे, कैसे आप सेल करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है, काफ़ी लोगों ने कर लिया है और उन्हीं के रिव्यूज़ के थ्रू मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे करा और आप भी उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं उनकी बारीकी समझनी होगी, तभी आप यहाँ पर जो इसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को तीन स्टेप बताऊंगा, वह तीनों स्टेप आप सभी को कर लेने हैं और तीनों स्टेप आपके जो है इंटरलिंक है। पहले करोगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, यानी कि तीनों स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है करने होंगे। तो पहला स्टेप यह रहेगा कि आपको एक और अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक अपना दूसरा टेलीग्राम अकाउंट बना लेना है, जिसके लिए आपको एक नंबर चाहिए होगा। घर में काफी सारे लोग होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, तो हाँ आपके पास जाहिर सी बात है एक और नंबर जरूर होगा। तो वहां पर आपको अपना टेलीग्राम जो है बना लेना है, उसके बाद उसमें आप जो है वॉलेट बना लेंगे। बनाने के बाद यहां पर आप जो है उसकी KYC करने जाएंगे। अब यहां पर काफी लोगों ने वॉलेट बना भी लिए हैं, लेकिन जब भी उनकी KYC रिजेक्ट हो जाती है। अब यह रिजेक्ट इसलिए होती है क्योंकि यहां पर इस बार आपको जो है सही से बारीकी समझनी है। जब आप यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हो ना, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी है जो कि आपके आधार कार्ड में है। दूसरी बात, यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, नीचे की हुई तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो देखिए यहां पर इसके बाद आपकी जो KYC है वह 100% हो जाएगी, लेकिन यहां पर आपको सही से जो आपकी ID रहने वाली है सबमिट कीजिएगा। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो यहां पर अपने पेरेंट्स की कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन की आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको करेंगे। नंबर सेकंड स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद क्या करना है, जो आपका टेलीग्राम है जिसमें KYC रिजेक्ट हो चुकी है, आप उसमें क्या करेंगे, जाकर जो आपके जो डॉग्स कॉइन है उनको आप कन्वर्ट करेंगे। सेल नहीं करना, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप सभी को वहां पर ऑप्शन मिल जाता है, उस तरह से आप जो है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। डॉग्स पे क्लिक करोगे, कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, वहां कन्वर्ट पे क्लिक करके आप उसको USDT में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहां पर जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है मैंने वहां पर पढ़ी है। यहां पर KYC रिजेक्ट होने के बाद भी तीन ऐसे कॉइन्स हैं जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उन तीनों कॉइन का नाम है, यह वह तीनों कॉइन है जिसका नाम है USDT, टोन और यहाँ पर नोट कॉइन। तो इन तीनों में से आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के बाद आप उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पर USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जब उन्होंने रिव्यूज दिए तो उन्होंने यहाँ पर जो है USDT में कन्वर्ट करे हैं, तो आप भी यहाँ पर USDT में ही कन्वर्ट कीजिएगा। कन्वर्ट करने नहीं आ रहे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। नंबर थर्ड रहने वाला है कि अब आपको यहाँ पर जो है अपने जो टोन जो आपने USDT में कन्वर्ट करे हैं अपने डोज कॉइन को, आप उसको ट्रांसफर करेंगे अपने उस वाले वॉलेट में जब उसकी KYC जो है पूरी हो जाएंगी। अब KYC आपके दूसरे वाले वॉलेट में हो चुकी है, अब यहाँ से आप उसको उसमें सेंड कर देंगे। उसमें सेंड करने के बाद अब वहां से आप उसको डायरेक्ट सेल कर देंगे। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आती है, वह भी मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि आप दूसरा वॉलेट बनाए टेलीग्राम का, तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सभी जो टेलीग्राम है आपके सबकी KYC रिजेक्ट हो रही होगी। तो यहाँ पर जब आप इसको जब USDT में कन्वर्ट कर लेंगे अपने डॉग्स को, तो उसके बाद आप उसको डायरेक्टली एक्सचेंज में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है इसको ट्रांसफ़र करे हैं, लेकिन यह वर्क करेगा या नहीं करेगा इसका 50-50 रहता है। यह डिपेंड करेगा कि आपके अकाउंट में बेसिक KYC हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली वह वाला तरीका बता दिया जो कि हर कोई कर सकता है। अपने टेलीग्राम में सेंड कीजिए दूसरे वॉलेट में, वहाँ से फिर उसको सेल कर दीजिए, या फिर वहाँ से आप उसको बाइनेंस में या बायबिट में डाल दीजिए। बाइनेंस में बायबिट में डालने के बाद कैसे सेल करना है उसकी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू।